हेलो हेलो एवरीवन लिसन टू मी। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए। आज का महामुकाबला CSK बनाम गुजरात, कुछ ही क्षणों में चालू होने वाला है महामुकाबला। क्षणों में चालू होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस स्ट्रीम पर। आपने ज्वाइन किया हमें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जल्दी से आइए, जल्दी ही ये महामुकाबला शुरू होने वाला है। अब कुछ ही पल बाकी रह गए हैं रोमांचक मैच को शुरू होने वाले हैं। महामुकाबला होने जा रहा है चेन्नई में, जहां से शुरुआत की थी चेन्नई ने, वही पर है आज ये महामुकाबला। सभी का स्वागत है आज के इस महामुकाबले में। सभी का स्वागत है आज के इस महामुकाबले में। चलो, कुछ ही देर में ये मैच मुकाबला चालू होने वाला है। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। चलो, अंपायर ग्राउंड में आते हुए, अंपायर्स आर वॉकिंग, अवर बैटर्स आर वॉकिंग, ऋतुराज गायकवाड़। खूबसूरत है नजारा आज के मैच का। कमान ऋतुराज गायकवाड़, तुम्हारे पहले बैटर। अहमद बॉलर होंगे। रचिन रविंद्र हो गए दूसरे बॉलर।
जरूर हाई स्कोरिंग गेम होगा ये आज का, मजा आने वाला है इस मैच मुकाबले में देखकर। दूसरी गेंद बहुत बढ़िया फ्लिक किया यहाँ पर, पहला रन स्कोर बोर्ड पे ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। अगला मामला चालू करना यूट्यूब ठीक। हो लाइव है यार। कुछ रन्स बन रहे हैं यहाँ पर रविंद्र के बल्ले से, पहला रन आता हुआ। गायकवाड़ ने भी एक रन बनाया है। सीएसके का स्कोर है 2 रन, 3 बॉल हो चुके हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है ये, जुड़े हमारे साथ। ये बहुत ही बढ़िया आउट स्विंग करते हुए यहां पर ए हे तुझे छत लाओ ना काय। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। और आज यहाँ पे काफी एक्साइटमेंट न्यूज है। थामना थामना माला सेटिंग करूं दी। अरे थे आज जडेजा को 7:38 पे ट्रिब्यूट देने वाले हैं। पूरा चेपॉक स्टेडियम खड़ा होके जडेजा को ट्रिब्यूट देने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लेजेंड खिलाड़ी। विकेट यहां पर पतन होता हुआ पर नहीं, छूट गया है बॉल। ये महंगी पड़ेगी गलती, ये साई किशोर की गलती महंगी पड़ेगी। ऋषि भाई कुछ तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे ऋषि भाई फिर एक बार। अभी 2-3 मिनट बाद 7:38 पे रविंद्र जडेजा जो चड्डू के जब है उनको ट्रिब्यूट मिलने वाला है होम क्राउड से चेपॉक स्टेडियम में। स्टैंडिंग ओवेशन मिलने वाली है कुछ ही देर में, 2 मिनट में सिर्फ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे एक को कमेंटेटर है ऋषि भाई। ऋषि भाई समझ सकता हूँ क्या वजह होगी रविंद्र जडेजा को जो ट्रिब्यूट मिलने वाला है उसका जैसे आपको पता होगा, कि पिछले साल जो ऐतिहासिक दो लास्ट गेंदों पे जो एक सिक्स और एक चौका लगाया था चड्डू ने, और उसकी बदौलत। सीएसके को ट्रॉफी जिताई थी जडेजा ने। भाई आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी स्क्रीन पे। और पॉइंट के दाहिनी तरफ से चौका मारने की कोशिश, बेहतरीन फील्डिंग राशिद खान की तरफ से, बेहतरीन फील्डर है। मात्र दूसरी ओवर चले और सिर्फ 2 रन और बिना कोई नुकसान पे। ऋतुराज गायकवाड़ जो काफी धीमी शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, और रचिन रविंद्र जो बैंगलोर के खिलाड़ी है,
बैंगलोर जिनका होम टाउन है, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, और इनका जो खेलने का तरीका है, हमने जो पिछली मैच में देखा था आरसीबी के खिलाफ, रॉयल चैलेंजर के खिलाफ, बैंगलोर के खिलाफ, जो बहुत ही आक्रामक तरीके के खिलाड़ी है। ये छह रन यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट। बहुत लंबा छक्का है ये, और पछताना पड़ेगा यहाँ पर बॉलर को। क्या शॉट लगा है रचिन ने, वाह वाह, वेरी गुड, प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ पर रचिन। फेयर शॉट था, बस बैट घुमाई 6 रन के लिए, और एक बार फिर चौका। नॉट बैड, नॉट बैड, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया ये मैच, रोमांचक स्थिति में। 2 ओवर हो चुके हैं, 13 रन बन चुके हैं, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉट गेंदे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर
गेंदबाजी, ये बहुत बढ़िया ड्राइव पर डॉट के। अच्छा खेल चल रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 बॉल खेले, थोड़ी सी धीमी शुरुआत की है ऋतुराज ने। और जो हमारे भाई ऋषि भाई बोल रहे थे कि गार्ड ऑफ ऑनर मिलने वाला है जडेजा को अभी कुछ समय में, सही चल रही है गेंदबाजी यहाँ पर। उमरजई बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, फ्लिक किया और 1 रन। अच्छा खेला है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने। अगर आप देख रहे हैं हमें लाइव तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही बढ़िया ये मैच, ऋतुराज गायकवाड़े 4 रन लगाते हुए, रचिन रविंद्र, बहुत ही बढ़िया शॉट रचिन रविंद्र के बल्ले से। पिकअप शॉट था ये, बहुत ही बढ़िया आगे आके खेला थोड़ा 4 रनों के लिए। हमारा लाइव स्ट्रीम चल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए। फिर एक बार दमदमाता हुआ शॉट रचिन रविंद्र, व्हाट अ शॉट, 4 रनों के लिए। रचिन रविंद्र से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे ही खेलते रहे, पावर प्ले में जो कि रन बनाते रहे। सामने चौका मारा है ये, ये खेलना बहुत जरूरी है रचिन रविंद्र का यहाँ पर। और हम आपको सभी को पता है सीएसके के जो फैंस है, सीएसके की जो जनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी को देखने आती है। और देखिए चेपा पूरी तरह से पीला हो चुका है, सरसों के खेत में आए हैं ऐसा लग रहा है। ये 1 रन, ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर 25 रन। दोनों लॉक के लिए लेते, ओपन लॉक के लिए, आता ओपन लॉक आहे जो माइक चा आहे आणि डेस्कटॉप ऑडिओ आहे, म्हणजे याचं जर ऑडिओ तिकडे टाकायचं असलं तरी टाकू शकतो आपण, काय समजलं नाही। त्याचं पण होईल, चालू करतो, उमेश को लाया है अगली ओवर के लिए। पहले ओवर में उमेश थोड़े महंगे गए थे, 18 रन उन्हें पड़े थे। और मुझे लगता है पिछली ओवर में काफी पिटाई हो रही है गुजरात टाइटंस की। बढ़िया शुरुआत अभी लग रही है चेन्नई सुपर किंग की। ये बहुत ही और बढ़िया शॉट 6 रनों के लिए, बस उसे लॉफ्ट किया, बहुत ही बढ़िया रचिन रविंद्र। मैं आपको कह रहा हूं अगर रचिन रविंद्र यहां पर खेल जाते हैं तो आज चेन्नई 200 का आंकड़ा देखेगी, क्या कहते हैं ऋषि भाई? हाँ जरूर, क्यों नहीं। और ये जो पिच है ऋषि भाई, ये पिच ऐसी बनी हुई है, सपाट पिच है, बॉल बैट पर आ रहा है, अच्छी तरह से देख रहे हैं कैसे छक्के मार रहे हैं ओपनर प्लेयर, तो ये 200 रन बनते हैं यहां। हाँ, सपा क्या तो क्या बन प्रेडिक्ट करेंगे आप?
अगले 3 ओवर में कितने रन होने चाहिए पावर प्ले में? 70 के करीब रन होने चाहिए पावर प्ले खत्म हो रहते होते 6 ओवर में 70 रन। वाओ व्हाट अ शॉट, 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया। ये रचिन रविंद्र रुकने वाले नहीं है इस मैच में, कट पे कट मारते जा रहे हैं रचिन रविंद्र, बेहतरीन। और रचिन रविंद्र ने आज प्लान करके आया है कि भाई उमेश यादव को अगले मैच नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने उनको पड़े हैं अभी 21 रन, सिर्फ 2 ओवर 2 बॉल हो चुके हैं उनके, मुझे लग रहा है 21-22 रन। मुझे लगता है रचिन रविंद्र को उमेश यादव को अशोक बिंडा एकेडमी में भेजना है। सब जानते हैं अशोक बिंडा एकेडमी क्या होता है, हमारे जो मीमर्स देख रहे हैं हमें, तो अशोक डिंडा एकेडमी में उमेश यादव है, पहले से ही है, पर अब वो उनका रैंकिंग बढ़ रहा है वहां पर। शुभमन गिल फील्डिंग चेंज करते हुए थोड़ा सा, व्हाट अ गेंद, ये बैकअप करते हुए ये आ गए बुमराह की लाइन में उमेश यादव, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर डाली 1 रनों की। क्या दिखा रहा है आवाज खुले होते ना, मजा असं मला काल कमी वाटला रे, तू जाय आता काल नाही कमी आहे बघा, आज भारी आहे। अगली गेंद पर भी 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर, ये गायकवाड़ भी नहीं रुकने वाले। ये नेहरा जी आते हुए और प्लेयर को समझाते हुए कि भाई ऐसी गेंदबाजी करो, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा शॉट 4 रनों के लिए। फील्डिंग मिस्टेक हुई है वहां पर, फील्डिंग मिस्टेक हुई इसकी वजह से वो 4 रन है। काफी गलतियां करते हुए क्षेत्र रक्षण ने गुजरात टाइटंस की टीम जो जानी जाती है बेहतरीन फील्डिंग करने के लिए, पिछला मुकाबला जो मुंबई के साथ था, मुंबई इंडियंस के साथ था, उन्होंने सिर्फ फील्डिंग के जोर पे जिताया था और आज गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। ये रुक जाना चाहिए था, मोहित शर्दवा ने बेहतरीन डाई लगाई लेकिन उसको भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ऋषि देख रहे हैं 4 ही ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर होने को 1 बॉल बचा है पर 41 रन बोर्ड पर। ये शुरुआत चाहिए थी सीएसके की। और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, बहुत ही बढ़िया ओवर डाली जा चुकी है सीएसके के लिए, बहुत ही बढ़िया ओवर हो चुकी है, अच्छे खासे रन आए हैं इस ओवर से। अगली ओवर देखते हैं कौन डालता है, 4 ओवर के बाद 41 स्कोर हो चुका है।
बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए जाने वाली है ये गेंद, 4 रन। पुड़ी, पुड़ी। आपको बता दे, ऋतुराज गायकवाड़ को जीवन दान मिला था, उसकी बदौलत वो अच्छी तरह से खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हो जाएगा आज 200 पार सीएस। कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के, नए नए कप्तान है, कंधों पे उनकी जिम्मेदारी है, कप्तान के तौर पे कैसे खेलते हैं अपील देखना हुई थी पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लेग बाय लेके एक सिंगल लिया। ऋषि क्या लगता है आपको, जो सीएसके ने डिसीजन लिया है वो सही है ऋतुराज को कप्तानी देना? हाँ मुझे तो लग रहा है सीएसके फ्यूचर के लिए देख रही है, और धोनी जो सेल्फिश नजरिए के लिए लेके जाने नहीं जाते हैं, वो खुद से पहले अपनी टीम का सोचते हैं, एक दो साल का सोचते हैं। जिस तरह धोनी ने कोहली को कैप्टनसी में ग्रूम किया था, मुझे लगता है इस देखिए उसी यहाँ पर तरह 6 रनों के लिए, सॉरी ऋषि भाई आपको रोक रहा हूँ, पर ये 6 रन बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर रचिन रविंद्र के बल्ले से। काफी आक्रामक हो रही है चेन्नई सुपर किंग। ओ सामने सीधा उठा दिया है 6 रनों के लिए, बेहतरीन छक्का है, और पूरा क्राउड धूम मचा रहा है चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। बेहतरीन बेहतरीन छक्का उमरजाई को सीधा पटक दिया। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए यहाँ पर सीएसके के बल्लेबाज। सपाट विकेट है यहाँ पर, देख रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से रन हो रहे हैं, और यहाँ पर पहली विकेट मेज नहीं 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 ओ, बाउंसर था, बेहतरीन बहुत आक्रामक बढ़िया रवैया बाउंसर। चल रहा है चेन्नई की तरफ से, बहुत ही बढ़िया खेल दिखा रहे हैं चेन्नई के बल्लेबाज। मुझे लगता है डेविन कॉनवे की का मिस नहीं करने देंगे ये लोग, रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़। रचिन रविंद्र स्ट्राइक पे, फारूक उमरजई गेंदबाजी के लिए, और 4 रनों के इंडेकार का लिए चौर, चार, बेहतरीन चौका, और एक बार बहुत ही बढ़िया खेलते हुए रचिन मिड रविंद्र। ऑफ रचिन रविंद्र जो के। फॉर्म में है वो, और उसी भाई ने कहा था कि 7-6 ओवर में 70 रन हो जाएंगे, तो ये देखिए स्क्रीन पर एमएस धोनी। धोनी आते हैं तो स्टेडियम में आवाज गूंजती है, और हम दुआ करेंगे, इसी दुआ तो नहीं करनी चाहिए पर हम करेंगे कि आज धोनी को बैटिंग मिले। क्या कहते हैं ऋषि भाई? जरूर मिलने चाहिए, मुझे लगता है वन डाउन है, और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे ये वाइड दर्शकों बॉल, के लिए, हमारे दर्शकों के लिए धोनी वन डाउन आने वाले हैं। दुआ करते हैं हम धोनी जल्द से जल्द बल्लेबाजी करने के लिए आए। तुम हाँ कौन बोल रहे? रिवाज तो आपका वाइड बॉल, ये बहुत लंबी वाइड बॉल डाली। उमर से डर रहे हैं रचिन रविंद्र से, क्योंकि उन्होंने 41 रन आए हैं बस 17 गेंदों में। मुझे लगता है ये हाथ खोलने का काफी मौका दे रहे हैं रचिन रविंद्र और गायकवाड़ को, खासकर रचिन रविंद्र को, जिनको ऑफ साइड पे गेंद डालते जा रहे हैं, वो मारते ही जा रहे हैं। कुछ रणनीति में सुधार करना पड़ेगा, शॉर्ट पिच गेंदबाजी जिस तरह की, या और नहीं तो स्पिनर को लाना पड़ेगा, और स्ट्राइक भी चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति तक
बिना कोई किसी नुकसान 58 रन्स। हम वेट कर रहे हैं अभी, मुझे लगता है कौन स्पिनर ला सकते हैं या नहीं, देखेंगे देखेंगे क्या कौन है। बॉलर लाएंगे। और देखिए ऋषि भाई ने बोला स्पिनर आ गए हैं रशीद खान, और देखना जो पड़ेगा। कि इनकी गुगली नहीं समझ में आएगी दोनों बैट्समैन को, पर देखिए क्या होता है। सपाट पिच है। खान साहब की उंगली, खान साहब की उंगलियों का जादू चल पाता है या नहीं। जैसे एक और का स्टेडियम चेन्नई का स्टेडियम स्पिन फ्रेंडली के लिए जाना जाता है, देख सकते हैं। और ये देखिए पहली गेंद पे चौका, बेहतरीन तरफ से तरह से रचिन रविंद्र ने राशिद खान का स्वागत किया है। ये रचिन रविंद्र रुकने नहीं वाले अभी, मुझे तो लग रहा है। विकेट के लिए लाया था रशीद को, पर नहीं चौका मिला यहाँ पर पहले गेंद पर। बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में निकाला यहाँ पर रचिन रविंद्र ने। और देखिए जो बात हम कह रहे थे वो हो गई, यहाँ विकेट गिर चुकी है। रचिन रविंद्र को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में, जिसके लिए रचिन रशीद को लाया था वो रशीद ने कर दिया है। वो कैप्टन के भरोसे पर उतर गए हैं। आवर प्ले में विकेट मिल गई है और ये थर्ड अंपायर के पास कॉल गया है स्टंप चेक के लिए। बेहतरीन तरह से समझ में नहीं पा रहे कहां गेंद चली स्टंप गई, चेक हो रहा है यहाँ पर। कंफ्यूज हो गए थोड़े से। मैंने कहा था गूगली नहीं समझ में आती है रशीद की, और वही हुआ जो कि नहीं समझ में आए गूगली उनको। देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, किस तरह पेंडिंग है थर्ड अंपायर की तरफ से। आजकल काफी देर वक्त लग रहा है और यहाँ पे क्रीज के बाहर बैट का अंदरूनी किनारा लिया और कीपर के हाथ में, और ये बैट हवा में है और ये बेकिल्लिया उगाड़ ये दिया आउट है, और ये ये आउट। आउट है। और गुजरात टाइटंस को पहली सफलता मिलती है राशिद खान की ओर से पहली विकेट के समाप्ति के बाद 62 पे 1 चेन्नई सुपर किंग। देखना पड़ेगा कौन आते हैं वन डाउन, मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे आएंगे आज। रचिन रविंद्र काफी शुरू बढ़िया शुरुआत करके दे रहे हैं चेन्नई सुपर किंग को, 20 गेंदों पे 46 रन लगाए हैं। और यहाँ पे अजिंक्य रहाणे आते हुए क्रीज पे, अजिंक्य रहाणे जो सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, और पिछले आईपीएल में जो तहलका मचा दिया था अजिंक्य रहाणे, आक्रामक पारियां खेल खेल के। देखने का पड़ेगा इस मैच में क्या करते हैं, क्या गोल खिलाते हैं अजिंक्य रहाणे जो आक्रामक रवैये के लिए इसे जाने नहीं जाते हैं लेकिन खेल रहे हैं आजकल। और पहली गेंद पे एक पुश कर दिया है और एक सिंगल चुराते हुए अजिंक्य रहाणे, जो कि एक आक्रामक फलंदाज है और धीमे खेलते भी है, अच्छे फलंदाज है। अजिंक्य रहाणे के बारे में कहा जाए तो वो आज भी याद आता है, वो जो कैप्टनसी की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, एक विराट कोहली नहीं थे वहां पे दिग्गज प्लेयर नहीं थे, और वहां पर देखिए अजिंक्य रहाणे और उन्होंने कप जीता था। और शेड्यूल आ चुका है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, आज ही आया है। देखना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़, ये 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक पर देख रहे पड़ेगा, क्या गोल खिला रहे हैं। ये टाइट गेंदबाजी हो रही है अभी, क्या
पुश कर दिया है पॉइंट बहुत ही कीपर बढ़िया ने चौका। जोर से। रेस गेंद भाग रही है और फील्डर उसके पीछे और एक गेंद की जीत हुई 4 रनों के लिए। और हमारी प्रेडिक्शन सिर्फ 1 रन से चुकी है, 6 रनों के ऊपर पावर प्ले खत्म हो देता चेन्नई सुपर किंग 69 रनों पे 1 विकेट के नुकसान पे। हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई सुपर किंग 70 रन बना लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ। 69 रन 1 रनों से हमारी प्रेडिक्शन चुकी है। देख सकते हैं क्या होता है अगली ओवर में, किसे गेंदबाजी के लिए लाना पड़ेगा। मुझे लगता है अगली ओवर से, दूसरी ओवर से भी स्पिनर ही आएगा। और देखिए साई किशोर के रूप में अगला स्पिनर जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। साई किशोर ने पिछले मैच में विकेट ली थी ऋषि भाई, तो इस मैच में वो अच्छे बॉलिंग करेंगे उनसे यही अपेक्षा करते हैं। हाँ ये ये तो पहली है। बॉल पर पहला सिंगल ले लिया रहाणे। रहाणे थोड़े से स्ट्राइक दे रहे गायकवाड़ को कि आप खेलिए कैप्टन। हाँ उनका भी सही है। गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ जो जो सेट खेल रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। देखना पड़ेगा क्या कर दे रहाणे। रहाणे पहली गेंद के लिए, शुरुआत के लिए साई किशोर, साई किशोर, साई किशोर ने पैरों पे गेंद डाली और 1 रन के लिए थर्ड मैन की ओर खेल दिया है। और इसके साथ स्कोर 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक, ऋतुराज गायकवाड़ और साई किशोर, साई किशोर, साई किशोर से फील्ड सेट कर रहे हैं। देखना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ अपना गियर चेंज कर पाते हैं या नहीं। साई किशोर जो ऑफ स्पिनर के लिए जाने जाते हैं, कुछ उनके पास विविधता नहीं है, सिर्फ आते हैं गेंद डालते हैं। लेकिन जो उनके फाइट में और स्पीड में जो वेरिएशन करते हैं, गति में जो वेरिएशन करते हैं, इसके बदौलत उनको विकेट मिलती है। और दोनों ही ऑफ, उनके लिए अच्छा है कि कोई लेफ्ट हैंडर्स यहाँ पे पिच पे नहीं। और 1 रन रहाणे ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर 1 रन के लिए खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पे। और मुझे लग रहा है रचिन रविंद्र जब से आउट हो रहे हैं, थोड़ी सी रन गति स्लो हो रही है। देख सकते हैं क्या होता है। तीसरी गेंद रहाणे ने फिर एक बार पुश कर दिया सीधा फील्डर के हाथों में राशिद खान के, कोई रन नहीं। देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए बेहतरीन जुड़े जुड़िए जल्दी जल्दी हमारे स्ट्रीम के लाइव स्ट्रीम होने वाले अगले आईपीएल मैचेस, ओलंपिक मैचेस आने वाले पेरिस के लाइव हमारे चैनल पे। और ये चौथी गेंद के लिए रहाणे ने पैडल स्विप कर दिया है, स्विप कर दिया है और एक रन ही मिलेगा सिर्फ। देख सकते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल दे रहे हैं, काफी इकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं साई किशोर। मुझे लग रहा है शुभमन गिल कप्तानी भी बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे, फील्ड सेट भी बढ़िया लगा रखा है। देख सकते हैं 5वीं गेंद डालने के लिए साई किशोर तैयार, साई किशोर तैयार। ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पे, देख रहे हैं कौन सी गेंद डाल सकते हैं साई किशोर। साई किशोर और ये वाइड फेंक दिया है, वाइड गेंद जो सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ ने लीव कर दिया, लेग साइड पे वाइड कर दिया है साई किशोर ने। कुछ जरूरत नहीं है इस तरह के वेरिएशन करने की, सीधा डाल रहे हैं। अच्छा ओवर साबित हो रहा है। ऋतुराज खेल रहे हैं 5वीं गेंद और ये सीधा, उन्होंने भी सीधा फील्डर के साथ खेल लिया है। सिर्फ 4 रन आए इस ओवर में, 5 गेंदें डाली हुई। साई किशोर काफी किफायती साबित होते हुए देख सकते हैं। साई किशोर टू ऋतुराज अगेन। और यहाँ पे फिर एक बार लॉन्ग ऑन की तरफ से 1 रन के लिए, 7 ओवर के नुकसान, 7 ओवर पे 74 रनों पे 1 विकेट के नुकसान पे चेन्नई सुपर किंग। अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ पार्टनरशिप करने का मौका है उनकी तरफ से। देख सकते हैं पावर प्ले के बाद क्या चेन्नई सुपर किंग का रन की जो रफ्तार है वो रुकती या नहीं। अगला ओवर कौन ला सकता है, अगले ओवर डालने के लिए कौन आ सकता है। और अगली ओवर डालने के लिए फिर राशिद खान ही आ सकते हैं, और फिर राशिद खान ही। राशिद खान
ऋतुराज जायकवाड़ को बैट बॉलिंग करेंगे, देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। पहले सेट करते हैं वही ऋतु राशिद खान, राशिद खान जो बढ़िया गेंदबाजी डालने के लिए जाने जाते हैं, जो लेग स्पिन डालते हैं। राशिद खान तो ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ और ये हवा में गेंद कट कर दिया है, पॉइंट का फील्डर भाग रहा है और ये 2 रन भाग लिए ऋतुराज और राजिंग रानी। बढ़िया रन इन बिटवीन द विकेट्स। मुझे यहाँ पे देखिए थोड़ी स्कोर की जो गति है वो स्लो हो चुकी है। किशोर ने 5 विकेटों में से रन दिए हैं और रशीद ने 18 विकेटों में से रन दिया है, पर रशीद किफायती ठहरे, उन्होंने 1 विकेट लिया है जो कि बहुत किफायती है। रचिन रविंद्र को पवेलियन भेजा स्टंपिंग के द्वारा, ये बहुत बड़ा शॉट, 4 रन हो गए, बहुत ही क्या बढ़िया कड़क शॉट। कैप में खेल दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने, काफी आक्रामक होते हुए अभी उनको हाथ नहीं लिया है सब कुछ। देख सकते हैं कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव और देखिए बेहतरीन चौका, किसी के पास कोई वक्त नहीं रिस्पॉन्ड करने के लिए, देख सकते हैं। फिर एक बार लॉग ऑन की तरफ से कर दिया है, रन आउट का मौका बन सकता है, नहीं बेहतरीन रन इन द विकेट। जल्दी जल्दी जुड़े जो लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। व्यू बढ़ाइए, सुपर चैट कीजिए, भेजिए, हमें सपोर्ट कीजिए बेहतरीन कमेंट्री के लिए, हम देख सबसे सकते बड़ी हैं। बात, सब्सक्राइब कीजिए, वो बटन दबाइए। एक बार बार फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट गायकवाड़ की तरफ से, देख सकते हैं और अब सिर्फ एक ही रन मिलेगा। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा अजिंक्य रहाणे नहीं तो गायकवाड़ को थोड़ा एक दो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो 200 रन नहीं हो सकते। और यहाँ पे फिर एक बार उसी तरह से हमें पॉइंट के बगल में से 1 रन ही मिलेगा सिर्फ इस ओवर में, 10 रन आते हुए इस ओवर में। देख सकते हैं चेन्नई सुपर की 8 ओवर के खत्म समाप्ति पे 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हाँ उनका रन रेट तो ठीक लग रहा है, 10.50 के औसत से रन बना रहे हैं करंट रन रेट के मुताबिक, लेकिन ये काफी नहीं हो सकता है क्योंकि राशिद खान और जो जिस तरह से बल्लेबाजी है गुजरात टाइटंस की तरफ से, ये काफी नहीं हो सकता है, उनको थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ समझ सकता हूँ कि जिस तरह चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज भी है, देख सकते हैं साई किशोर को दूसरी ओवर डालने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने बुलाया है, साई किशोर टू अजिंक्य रहाणे, और यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथ में खेल दिया है पॉइंट की तरफ से रहाणे ने। रहाणे जो आक्रामक खेल रहे थे पिछले साल, आज कुछ तो हो गया है इस साल, इनको काफी धीरे धीरे खेल रहे हैं। देखिए साई किशोर अब दूसरी गेंद डालेंगे रहाणे को, रहाणे सांस लेते हुए, देखिए साई किशोर को रहाणे, रहाणे रहाणे ने यहाँ पे फ्लिक कर दिया है, दे नहीं 1 रन मिलेगा, नहीं 2 रन मिस फील्ड होती हुई यहाँ से गुजरात टाइटंस की तरफ से, एक चौका भी जा सकता है, नहीं कम से कम 3 रन मिलेंगे। बेहतरीन रन इन द बिटवीन द विकेट्स, क्रीज के ऊपर से 22 गज में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए दोनों ही। ये जिस तरह की फील्डिंग चल रही है गुजरात टाइटंस की, मुझे नहीं लगता इन्होंने आज काफी रन दिए हैं अपनी खराब फील्डिंग की वजह से। देख सकते हैं ओ कोलाइड, एक दूसरे को बेस्ट पॉइंट आउट कर दे हुए ये दोनों ही। साई किशोर टू अगेन रहाणे, रहाणे क्या करते हैं देखना पड़ेगा।
नहीं वो सिर्फ बाउंड्री लाइन के गया है पिछले ओवर में एक रन, फिर एक बार तब एक ही फील्डर भागा है उस टीम की तरफ। चांसेस लेना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को साई किशोर के खिलाफ, काफी बढ़िया गेंदबाज नहीं है वैसे, यही साई किशोर कमजोर कड़ी है इस गुजरात टाइटंस की। कुछ तो मार मार के तुम्बा बनाना पड़ेगा इन लोगों का गुजरात टाइटंस का सीएसके। और कट कर दिया है सीधा फील्डर के हाथ में, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी, और देखिए धोनी को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और शोर मचता हुआ ग्राउंड पर। हम अपेक्षा करते कि धोनी आए, दो चार बॉल खेले, लास्ट वर्ल्ड आईपीएल रहेगा, इंडियन प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, जो कि आकाश चोपड़ा कहते हैं उनके कमेंट। फैन है हम उनके, हम तो फैन हर्षा भोगले की भी बहुत है। हर्षा भोगले जिस तरह से कमेंट्री करते हैं, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री, उनकी कमेंट्री सुनकर बहुत अच्छा लगता है। नो और के नुकसान पे यहाँ पे 92 रन और 1 विकेट के नुकसान पे देख सकते हैं टाइम आउट लिया गया है अंपायर ने। टाइम आउट हो गया है यहाँ पर, और आप अगर हमारे लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम लाइव स्ट्रीम लाते रहेंगे, पूरा आईपीएल लाइव स्ट्रीम होगा है हमारे चैनल पे। टाइम आउट हो गया है यहाँ पर, और हम भी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा छोटा सा पानी वगैरह पीते हैं। ये तो तुम कर जी का मारा ठीक है। चार्जिंग अच्छा भाई मोबाइल लैपटॉप, लैपटॉप चला रहा है। चलो सेट टायर स्ट्रेटजी, टाइम आउट खत्म। और देखिए ये जो आशीष नेहरा है वो शुभमन गिल से बात करते हुए कि भाई ऐसी गेंदबाजी डालनी है, वैसी गेंदबाजी डालनी है, और वो कहते हुए वो जो नारा और पानी की उनकी स्ट्रेटजी है बताते हुए उन्हें।
एस जॉनसन बॉलिंग के लिए आए हैं। फास्टर बॉलर है और ये पहले ही बॉल पे छक्का, लंबा छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के तरफ से। डॉट बॉल डाला यहाँ पर एस जॉनसन ने, बहुत ही बढ़िया बॉल कमबैक किया उन्होंने, बीट कर दिया ऋतुराज को। इंडिया टीम से खेलते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और अपना नाम कंफर्म कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए ऋतुराज गायकवाड़। शुभमन गिल फील्डिंग अरेंज करते हुए, लाइव स्कोर चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आ जाइए बॉस, सुना दूंगा। और यहाँ पे फिर एक बार गायकवाड़ को स्ट्राइक मिली है। क्या कैसे खेलते हैं देखना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गेंदबाजी कर रहे हैं गायकवाड़ के लिए और यहाँ पे पुश कर दिया है 1 रनों के लिए ब्लॉक की तरफ से। रहाणे थोड़ा सा धीमा शुरुआत करते हुए 10 गेंद खेले हैं, 11 ही रन बनाए हैं, उनसे थोड़े से जोरदार हिटिंग की अपेक्षा हम करते हैं। रहने मुझे लग रहा है काफी शेर में चले गए हैं। उनको कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ तो पिटाई करनी होगी गुजरात टाइटंस की गली में, नहीं तो विकेट छोड़ के जाए भाई। हमें ऐसी बोरिंग मैच नहीं देखनी है। क्या इस खेल का मुजहरा करना पड़ेगा बढ़िया तरफ से। अभी यहाँ पे स्पेंसर डालेंगे रहा गायकवाड़ को फिर से, नहीं रहने को, रहने 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 ने पुल कर दिया है, सिर्फ 1 रन 1 ही रन के लिए मिलेगा। बस। मुझे लगता है रहने को रिस्क उठाना ही पड़ेगा भाई। गायकवाड़ गायकवाड़ के ऊपर प्रेशर बनता हुआ इस तरह से चेन्नई जो मारने के मार के खेलने के लिए जाने जा रही है। अभी देखते हैं क्या कैसा माहौल बनाती है चेन्नई। चेन्नई को पिटाई करके ही खेलना पड़ेगा भाई। ये क्या चल रहा है। ये यश जॉनसन का ओवर खत्म हो तो वह 12 रन दिए उन्होंने पहले ओवर में। ऋतुराज गायकवाड़ टू स्पेंसर, स्पेंसर ओ सुंदर शॉट डाउन द बहुत ही बढ़िया टाउन, चौका लगाया यहाँ पर ऋतुराज छक्का सिर्फ गायकवाड़ ने एक गज के दूरी से लास्ट वो चूक बॉल। गया है। इस ओवर में 10 रन आते हुए स्पेंसर यस जॉनसन को 10 ओवर और 100 रन लगाए हैं चेन्नई ने। चेन्नई ने अपना रन रेट बेहतरीन तरीके से सही इंटैक्ट रखता है। देखते हैं क्या होता है अभी बचे हुए 10 ओवर में। देख सकते हैं हम लोग रहने को मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और गायकवाड़ गायकवाड़ को भी काफी आक्रामक तरीके से खेलना पड़ेगा। देख सकते हैं गायक रहने को स्ट्राइक है। साई किशोर अपनी तीसरी ओवर लेके आते हुए देखिए साई किशोर 2 ओवर डाले हैं, 13 रन, यहाँ पर विकेट गिर गई है, यहाँ पर स्टंप हो चुके हैं अजिंक्य रहाणे। ये साई किशोर ने जलवा बिखर दिया है अपना, दे दिया है इजी विकेट दे दिया है।
दुबे अभी दुबे, मुझे लगता है सब मराठी शेर आ रहे हैं, मराठी छावा आ रहे हैं यहाँ पे चेन्नई की तरफ से बैटिंग करने के लिए। पहले आए ऋतुराज गायकवाड़ जो पुणे से है, मराठी छावा बोल देगा उनको जो कप्तानी कर रहे हैं। फिर आए अजिंक्य रहाणे, कुछ खास कर नहीं सके, वो आउट हो गए, वो भी मराठी छावा है। और ये तीसरे छावा आते हुए नहीं, ये तो मिचेल आ रहे हैं अभी, पर मिचेल की खूबसूरत वाइफ दिखाते हुए। अभी हम लाइव दिखा नहीं सकते हैं, नहीं तो दिखा देते आपको। दुबे ही आए हैं ग्राउंड पर बैटिंग करने के लिए, उनसे उम्मीद है कि वो जोरदार हिटिंग करें। शुभम दुबे क्या करते हैं देखना पड़ेगा। शुभम दुबे, साई किशोर, साई किशोर, अब वो शुभम दुबे को गेंदबाज लेफ्ट आर्म गेंदबाज लेफ्ट। पहले ही गेंद पर छक्का लगाया है यहाँ पर दुबे ने, 6 रन के लिए गेंद सीधे ग्राउंड के बाहर, आसमान को चूमने गई ये गेंद। पूरा स्टेडियम झूमता हुआ शिवम दुबे के छक्के के ऊपर। काफी पैशनेट फैन माने जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। 87 मीटर का छक्का लगाया हुआ शिवम दुबे ने। शिवम दुबे काफी आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, देख सकते हैं काफी खुद से ही नाराज साई किशोर। बढ़िया बैटिंग करते हैं शिवम दुबे, लेफ्ट हार्म बल्लेबाज है, लेफ्ट हार्म बॉलर ही बॉलिंग डाल रहा है कॉम्बिनेशन। रहाणे बहुत गलती कर गए, आगे खेलने गए। मुझे लगता है उन्होंने खुद किस खुद से ही विकेट छोड़ दिया है, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इसलिए। एक बार हवा में मार दिया और है फिर शिवम एक बार दुबे। छक्का। ये दुबे, मैंने आपको कहा था मिचेल आने वाले थे, पर दुबे को माइंड सेट से भेजा हुआ कि भाई जाइए धो के आइए। और चेन्नई की स्ट्रेटजी भी चल रही है अभी, आओ आओ जाओ पिटाई करो, आओ जाओ पिटाई करो, आओ जाओ, यही उनका जो मूल मंत्र है खेलने का। और ये देखिए सकते हैं सीधा ग्राउंड के बाहर भेज दिया है बेहतरीन 6 रनों के लिए। एक बार फिर एक बार चेन्नई का क्राउड झूमता हुआ। ये स्पष्ट कर दिया है दुबे ने कि मैं आया हूं तो बस मारने के लिए। और यहां पर साई किशोर डरते हुए दुबे से व्हाइट बॉल डाली उन्होंने, थोड़ा सा कमबैक करने की सोच रहे साई किशोर, पर ये मूड में नहीं है भाई। देखिए वाइड गेंद, ब्लॉक होल में डाला हुआ साई किशोर ने। ये ऋतुराज गायकवाड़ का कैच छोड़ा था, 42 रन बना चुके हैं क्या? अर्धशतक करेंगे ऋषि जी। क्यों नहीं करेंगे, कप्तानी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। और थोड़ा धीमा खेलते हैं गायकवाड़, लेकिन खेलते बहुत ही बढ़िया है। और गियर चेंज करने के लिए जाने जाते हैं अपने 50 होने के बाद, देख सकते हैं अभी अभी गायकवाड़ गायकवाड़ खेल रहे हैं।
ऐसा ही कुछ उन्होंने सीधा खेल दिया, तो ऐसा ही कुछ और नहीं था एक पॉइंट। अभी एक जो गेम के बाद और खत्म हो जाएगा साई किशोर का, देख सकते हैं अभी 118 रन पे है, और देख सकते हैं अभी वो डाल रहे हैं साई किशोर टू गायकवाड़। गायकवाड़ 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 ने चिप कर दिया है 1 रन के लिए शॉट, एक ही रन में इसी के गया। साथ ओवर की समाप्ति 119 रन 11 ओवर के बाद। और किसी को जुड़ना होगा तो हम मैच से पहले भी जुड़ सकते हैं, 10-15 मिनट का मैच का रिव्यू लेने के लिए देख सकते हैं। किसी को देखना होगा तो जरूर दिखा सके। अगर प्रीव्यू चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठोकिए कमेंट। मोहित शर्मा बोलेंगे, एक रन। तो पता है मोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है 2015 का भारत की तरफ से। स्लो शुरुआत की है यहाँ पर मोहित शर्मा की ओवर की। मोहित शर्मा वैसे बहुत बड़े प्लेयर है, पर ना जाने क्यों वो साइड ऑन हो गए। वाइड बॉल यहाँ पर, बहुत ऊपर था बॉल। गायकवाड़ 45 रन बना के पिच पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं भाई एक तरफ से। दुबे को हिटिंग के लिए भेजा है, पर अब दुबे थोड़े शांत हो गए हैं।
पर नहीं, ये उठाया कर खेला 1 रनों के लिए। उठा के खेल रहे हैं हवा में गेंद। सुरेश रैना को हम मिस कर रहे हैं इस आईपीएल में, पिछले आईपीएल में भी मिस किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, मोहित शर्मा ने दिया 7 रन बस, बिल्कुल 7 रन। बोर हो रहा है यहाँ पर मैच, थोड़ा सा जम के खेलना चाहिए दोनों भी बल्लेबाजों ने। हाँ क्या क्यों धीमा चल रहा है मेरा, कभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यस, जॉनसन को फिर एक बार लाया है यहाँ पर बिल ने। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर दुबे का 1 रन के लिए। अपील हो गई है और यहाँ पर आउट, ऋतु राज गायकवाड़ आउट। रिव्यू लेने के लिए जाएंगे या नहीं? एज लग गया, हाथ में गई कीपर की गेंद, और ऋतुराज को भी पता था कि वो आउट है, इसलिए उन्होंने भी रिव्यू नहीं लिया। यस, जॉनसन को पहली सफलता मिलती है।
ऋतुराज गायकवाड़ जो अच्छी तरह से खेल रहे थे, सीधा दस्तानों में दे बैठे कैच अपना। देख सकते हैं डेरिल मिचर आते हुए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे। अरे अरे, डैरन मिचेल भी फंस गए थे थोड़े, पर बच गए, रन निकालने के लिए गए थे आज। एक रन की निकाला है यहाँ पर मिचल। जॉनसन काफी प्रभावित करते हुए अपने कप्तान के लिए, टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी। धोनी वार्म अप करते हुए, क्या आएंगे धोनी इसके बाद? रशीद को बुलाया है विकेट निकालने के लिए, उनसे उम्मीद है कि वो एक विकेट दे चटका के। शिवम दुबे से यहाँ पर बड़े हिट की अपेक्षा है। दो रन निकाल लिया आसानी से मिसफील्ड होने की वजह से। अरे चार, बहुत ही बढ़िया शॉट मिचल के द्वारा।
विजय शंकर वंश ब्रह्म, विजय शंकर जो कि 2019 में 3D इस्तेमाल के लिए लिए थे टीम में, पर फेल हो गए। ये हवा में गेंद 6 रनों के लिए दुबे जी। इसके साथ 141 रन पे 3 विकेट 14 ओवर के बाद। और ये रशीद खान, यस जॉनसन ने पहले ही बॉल पर 1 रन, बहुत ही बड़े हैं। लेग बाई का सिंगल मिलता हुआ यहाँ पर मिचल को। इस टाटा आईपीएल में आपका स्वागत है, 17वां एडिशन आईपीएल का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की यहाँ पर दुबे ने। बहुत मेहनत की है हमने इस लाइव के लिए, तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत होगा हमारे लिए। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट मारते हुए दुबे 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का यहाँ पर शिवम दुबे के द्वारा। ये अलग मूड में है शिवम दुबे।
Noi siamo बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पर रोहित शर्मा द्वारा, स्लोअर बॉल डाला 1 रनों के लिए। पंद्रह ओवर के बाद 160 पे 3 रन में, 3 जरा सी धीमी पड़ती हुई चेन्नई सुपर किंग की। बढ़िया शॉट पर यहाँ पर 2 रन, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। दोनों भी टीम एक एक जीत हासिल करके यहां पर आई है देखा जाए तो। रोहित शर्मा टू मिचल, और मिचल ने शॉट खेल लिया है सीधा फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए। 2 रन भागना चाहते थे मिचल, लेकिन दुबे ने इनकार कर दिया। अब आखिरी गेंद खेलेंगे दुबे 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 खेलने वाले हैं आखिरी गेंद। देख सकते हैं दुबे क्या करते हैं आखिरी गेंद पे। मोहित शर्मा जो कि काफी किफायती ओवर डाला है, सिर्फ 5 गेंदों में 6 रन दिए हैं इस ओवर में। देख सकते हैं क्या जादू करते हैं मोहित शर्मा। अब दुबे के लिए गेम डालने वाले हैं। ये टाइम आउट से पहले एक आखिरी गेंद है, देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। दुबे ने गाइड कर दिया है, लेग साइड की तरफ से बेहतरीन फील्डिंग, नहीं छोड़ दिया है। 4 रन मिलेंगे डूबे को। बढ़िया गेंद डाल रहे थे मोहित शर्मा, खराब कर दिया पूरा। अच्छा भला ओवर डालने के बाद, और ये अंपायर ने टाइम आउट का सिग्नल कर दिया है। देखते हैं क्या होता है।
आउट हो गया है यहाँ पर। टाइम आउट खत्म हो चुका है। मोहित शर्मा आए हैं बॉलिंग के लिए। कल का महामुकाबला सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या वर्सेस पैट कमिंस, जो कि सबसे महंगे गए हैं इस ऑप्शन में। आ जाइए, कल लाइव स्ट्रीम होगा, कल भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वही ओवर है, एक तो यहाँ पर विकेट मिलेंगी या तो ये ओवर पे बहुत लंबे लंबे छक्के पे। मुझे तो छक्कों की ज्यादा आशंका है विकेट से। बढ़िया गेंद यहाँ पर स्पेशल जॉनसन के द्वारा। ब्लॉक पर में गेंद डाली दुबे को, धोनी ने आना चाहिए गेंद बल्लेबाजी की। एक रन आराम से ले लिए शिवम दुबे ने, जोर से लगाया था पर नहीं।
धोनी की गुंजाइश होनी चाहिए यहाँ देव। धोनी का इंतजार सारे चेन्नई सुपर किंग को। मिस कर दिया है डेरेन मित्र शॉर्ट ने। गेम में। चीकी मिचेल 4 रन अगले खेल गया है, बेहतरीन स्कोप सिर्फ गाइड कर दिया है चीकी। कीपर के पीछे से अब यहाँ इस ओवर के बाद चेन्नई बीस्ट मोड में चली जाएगी। बीस्ट मोड यानी आपको पता ही होगा। शुभमन गिल थोड़े से चिंतित नजर आते हुए, क्योंकि 200 रन यहाँ से दिख रहे हैं। चेन्नई को लग रहा है चेन्नई का एक ही नारा है, अब की बार 200 पार। देखते हैं 200 पार कर पाती है या नहीं चेन्नई। और प्लेट कर दिया है 1 रन के लिए। इस ओवर की समाप्ति के बाद 172 रन 3 विकेट पर 17 ओवर के बाद। Get it close, closing, closing. They just wanted to reach 200. Chennai Super King. We can see that if they reach, we gonna enjoy it. Only 3 overs remains in the inning. All the Chennai crowd are waiting for the Yamas. Yamas जी, महेंद्र सिंह धोनी थाला And now, फॉर द रीजन। and now. Now the Mohit Sharma comes to the ball. Mohit Sharma who bowled 2 overs, gave 17 runs. It's really economical. Last over also bowled really well. We're gonna see. Mohit to Mitchell. Mitchell misses the shot and goes for the single. Now Dubey on the strike. Dubey really hated till up to the 200 strike rate. We gonna see Dubai Bhavendra magic. Singh ran a six. Shivam Dubey. As we said, Shivam Dubey magic. Let's see. Mohit to Dubey on the strike. Let's see. Dubey going to hit the six. Going to Dubey clears the boundary और अपने 50 के साथ he reaches to the close 48 reaches to the 50 on the next ball we'll see. एक रन लेके स्ट्राइक चेंज कर दी दुबे ने। दुबे ने अच्छी गेम बल्लेबाजी की यहाँ पर, अच्छा प्रदर्शन किया दुबे ने। 50 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर मिचेल और दुबे के बीच। बस 29 गेंदों में ये पार्टनरशिप कंप्लीट की। एक सिंगल के साथ मिचेल को स्ट्राइक देते हुए दुबे। Dubey mistimes the ball and get the single. All the crowd is waiting for the MSD. Now Mitchell on the strike.
मिचेल हिट्स द बॉल डायरेक्टली टू द फील्डर मिड ऑफ फील्डर नॉट मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ फील्डर ओनली वन रन. मिचेल नॉट एबल टू हिट मिडल द बॉल नॉट एबल टू मिडल द बॉल एंड हिट द बॉल रीच एज एक्सपेक्टेड. टुमारो वी आर गोना सी द सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच. Sharma going to ball the Dubey. I think it's wide ball. I think it's wide ball. क्या दुबे जाएंगे ऊपर चेक करने के लिए? गए हैं दुबे. गए हैं ऊपर. Review. Personally, I think it's not the wide ball. It is the ball. I thought ball was going away from the Dubé and it was too much away, so that I thought. So why not the wide ball? It's away. Let's check. Wide from the batter, but it's not the wide ball. Wide from the DRS. Dhoni review system. I guess. I think it's review lost. Chennai review lost. And it's fair delivery. We'll see last ball. Last ball. Dubey to Mohit. Mohit to Dubey. Last ball. Two runs. Dubey pulls the ball into the gap and runs for the two. And scores the 50 in only 22 deliveries. Shivam Dubey really batter for the CSK. आखिरी दो ओवर और क्या होगा? आखिरी दो ओवर में आएंगे धोनी. पहली बॉल पर डैन मिचेल ने सिंगल ले लिया. राशिद खान ये इस ओवर में विकेट मिलने की आशंका है. क्या गूगली से शिवम दुबे को बीट कर पाएंगे? Rashid Khan comes to the ball. He is gonna bowl the really crucial over of the inning, 19th over. Oh, Mitchell tried to hit the ball and get the single. He mistimes the ball. This contest will be going higher. Ball in the air. Oh, that's the wicket. We caught it. Dubey caught it, and we want to see MSD on the ground. But Ravindra Jadeja is also ready. Who will be in the ground? Sameer Rizvi is the next batsman, not MSD, and all the CSK fans get upset because the MSD is not in the ground.
समीर रजवी नॉट जडेजा नॉट धोनी समीर रजवी इज द नेक्स्ट बैट्समैन What the shot by Samir Rizvi. Get the fly down in the air as well. What a shot by Samir Rizvi. MSD also getting ready. What a shot by Samir Rizvi. Two runs. Mitchell not playing well. Dot ball. And it has been a dot ball for the दीपक चहर यहाँ पर वार्म अप करते हुए ये रशीद खान को छक्के मार रहे हैं समीर रजवी और एक आगे आके छेरा रोहित शर्मा डालेंगे आखिरी ओवर रोमांचक होने वाली है ये ओवर पहले बॉल पर सिंगल लेके डैरन मिचेल ने दी है समीर रजवी को स्ट्राइक डॉट गेंद रिजवी नहीं हिटिंग कर सके इस शॉर्ट बॉल डॉट गेंद यहां पर समीर रजवी के द्वारा
और यहाँ पर समीर रिजवी को जाना पड़ेगा, वापस आउट हो गए हैं। मोहित शर्मा ने दे दी है छठी विकेट गुजरात को। हिटिंग के लिए आए थे, हिटिंग करके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो डेड डॉट गेंदे खेली, 14 रन बनाए अपने सीएसके टीम के लिए। अब क्या धोड़े आएंगे, क्या लगता है ऋषि भाई? नहीं, धोनी नहीं आने वाले। धोनी ही आ रहे हैं, सब आंखें लगा कर स्टेडियम धोनी धोली क्राउड करता हुआ। नहीं, जडेजा आए हैं, धोनी अभी भी नहीं आए हैं। नोट डाउन कीजिए, और एक विकेट चाहिए तभी आएंगे हमारे एमएसडी। पर आके करेंगे ही क्या, आप तीन ही बॉल बची है, नहीं आए तो वही अच्छा है। दो रन निकाले यहां पर जड्डू ने। काकी काफी पुरानी राइवलरी है जडेजा और रोहित शर्मा के बीच में। शॉट तो ये भी अच्छा था, पर दो रन फील्डिंग अच्छी है वहां। बहुत बढ़िया, जडेजा के द्वारा शॉट 4 रन के लिए। जड्डू ने लगाया यहाँ पर शानदार चौका, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर जड्डू के द्वारा, कट करके पीछे की तरफ गेंद। चलिए इसके साथ ही इनिंग की समाप्ति। दो रन आखिरी बॉल पे, धोनी को देखने का जो दस्तूर था नहीं हुआ, एक ही रन मिला है यहाँ पर। देखिए हम क्या हो गया, हम देखते हैं फिर एक बार। थर्ड अंपायर की तरफ रन आउट चेक के लिए गया है। रन आउट चेक हो रहा है यहाँ पर, आउट है या नहीं, आउट आउट है यहाँ पर। चलो इसके साथ इस इनिंग की समाप्ति। 207 रन करने हैं यहाँ पर गुजरात टाइटंस को। ए काय करे, चल ठेव जिग बंद कर, चार बार ना हां तू येणार आहे का? मंजूर
अरे चार रन चार रन वाला था।